कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जय जसवंत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने एक मुखिया की तरह, एक पिता की तरह राष्ट्रीय सेवा योजना को जो आपने सम्मान दिया है, पूरा राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार। तो सीधी तस्वीर है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहाँ पर सीएम भूपेश बघेल अभी युवाओं को संबोधित कर रहे थे। युवाओं के बीच सीएम भूपेश बघेल, उत्कृष्ट काम करने वालों का सम्मान भी सीएम ने किया। राष्ट्रीय सेवा योजना का शुभारंभ इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस, एनएसएस का स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। युवाओं के बीच उन्होंने पहुंचकर युवाओं को संबोधित किया। दरअसल ये पूरा कार्यक्रम राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की है और युवाओं को यहाँ पर संबोधित किया गया। लंबे समय अगला जो संस्कार जा रहा है वो श्रेष्ठ संस्था के स्तर पर है। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को सम्मानित हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के साथ, आदरणीय वरिष्ठ हमारे सत्यनारायण शर्मा जी, विधायक जी, विकास उपाध्याय जी के साथ ये राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी स्तर पर डॉक्टर पी एल चंद्राकर जी सीओपी पीजी महाविद्यालय बात है।
अभी हम सबने जो लक्ष्य की सुना छत्तीसगढ़ी भाषा में उसे समाज के लिए उसे उसकी रचना करने वाले काफी राय यादव पूर्व हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित स्वयं सेवक है, ये उनके द्वारा किया गया है। उनके दीदी के विमोचन के लिए मैं सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथियों से बिना प्रार्थना करती हूँ कि छात्र की दीदी का विमोचन करें।
और सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर युवाओं के बीच सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं, उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मान भी यहां पर सम्मानित कर रहे हैं, और साथ ही स्थापना दिवस समारोह यहां पर आयोजित किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं, युवाओं के बीच पहुंचे हैं और जिन्होंने उत्कृष्ट काम किए हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। और ये पूरा कार्यक्रम पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस है जिस पर ये समारोह रखा गया, और सीएम भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे, युवाओं के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत की।